बच्चों कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक? वेरी गुड। आज हम थ्री लेटर वर्ड्स की रीडिंग में कुछ और वर्ड्स करेंगे। ये वो वर्ड्स हैं जिनके आखिर में इट की साउंड आती है। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इट कैसे बनता है। जब हम दो साउंड्स को जोड़ते हैं जिनमें आई की साउंड क्या होती है? ई। आई की साउंड होती है ई, जैसे इग्लू में होती है। ई को हम जब जोड़ेंगे टी की साउंड से, और टी की साउंड क्या होती है? ट। तो क्या हमारे पास बन जाएगा? आई के नीचे कर्सर आएगा तो आपने आय बोलना है, आई की साउंड बोलनी है ई, और टी के नीचे कर्सर आएगा तो आपने ट बोलना है। ठीक है, इट। इट क्या साउंड बनी? इट। ठीक है, ये वर्ड हमारा इट है। अब हम आगे कुछ वर्ड्स करेंगे जिनके एंड पे इट आता है। ठीक है, सबसे पहले हम इट से पहले लगा देते हैं बी। बी की साउंड होती है ब। ठीक है, ब इट। बिट। बिट क्या वर्ड बना? बिट। बिट किसको बोलते हैं? जब थोड़ी सी चीज़ होती है ना, जैसे हम हाथ और अंगूठे की मदद से इसे छोटा करके बताते हैं ना कि छोटा सा, तो उसको बोलते हैं बिट, यानी बहुत छोटा सा, लिटल बिट। तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आएगा इट से पहले एफ लगा के। एफ की साउंड होती है फे की आवाज़ होती है, जैसे इट। मेरे साथ पढ़ेंगे, एफ के नीचे कर्सर आएगा तो आपने बोलना है, और इट के नीचे आएगा तो आपने इट बोलना है। फिट। फिट। फिट क्या वर्ड बना? फिट। फिट क्या बोल किसको बोलते हैं? जो बहुत, जिसकी हेल्थ अच्छी होती है ना, जिसकी सेहत बहुत अच्छी होती है, जो बंदा बहुत स्ट्रांग होता है, उसको बोलते हैं फिट। आ गया है इट से पहले एच लगा के वर्ड। एच की साउंड होती है ह, जैसे हे की आवाज़ होती है। ह इट क्या वर्ड बनेगा? एच की नीचे होगा तो ह इट। ह इट। हिट क्या वर्ड बना? हिट। हिट किसको बोलते हैं? जब किसी चीज़ को हम मारते हैं ना जोर से, तो हिट बोलते हैं उसको। जिस तरह ये बच्चा जो है बॉल से, बैट से बॉल को मार रहा है, तो बॉल को हिट कर रहा है। वैसे भी किसी चीज़ को आप मारेंगे अगर, तो उसको बोलेंगे हिट करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड आ जाएगा इट से पहले एल लगा के। एल लगा के जो एल की साउंड क्या होगी? ल। क्या साउंड होती है एल की? ल। ल को इट से हमने जोड़ना है। फिर उसी तरह करेंगे, एल के नीचे कर्सर होगा तो ल बोलेंगे, और इट के नीचे कर्सर होगा तो इट बोलेंगे। लिट। लिट क्या वर्ड बना? लिट। लिट। लिट किसको बोलते हैं? रोशन को। जब रोशन होती है ना कोई जगह, तो उसको बोलते हैं वेल लिट। तो ये जिस तरह बल्ब खूब रोशन है, ऑन हुआ है, लाइट है उसमें, तो उसको बोलेंगे लिट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड आ जाता है इट से पहले एस लगा के। ठीक है, इसकी साउंड होती है स, तो स को इट से जोड़ेंगे। स इट। जब पहले हम अलग अलग जोड़ते हैं ना, तो अलग अलग आवाज़ आती है, जैसे स इट। लेकिन जब हम बिल्कुल दोनों आवाज़ों को जोड़ देते हैं ना, आपस में बीच में गैप नहीं रखते, तो वर्ड बन जाता है सिट। सिट। सिट क्या वर्ड बना? सिट। वेरी गुड। और सिट किसको बोलते हैं? बैठने को। तो ये थे हमारे कुछ इट राइमिंग वर्ड्स। तो आपने घर के किसी बड़े के साथ बैठ के ये वीडियो देखनी है, और इन वर्ड्स को रीडिंग करने की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम कुछ और वर्ड्स रीडिंग रीड करेंगे। ठीक है, सी यू देन। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टाटा।